अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माई व्यूअर्स। आज जो मैं चीज़ आपको दिखाने लगी हूँ, ये मैंने अभी कुछ देर पहले रेडी किया है ख़ुद से, एक छोटा सा बैग। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि मैंने इसे किस चीज़ से रेडी किया है। ये जो राइस का बैग होता है खाली, उसको मैंने काट के इनसाइड स्टिच करते हुए उल्टा किया और फिर इसके ऊपर एक खूबसूरत सी पर्पल कलर की लेस लगा दी दोनों साइड पे, और देन मैंने निशान लगाए और डिसाइड किया कि आपको भी दिखाऊं कि व्हाट आई एम डूइंग टुडे। तो मैंने परमानेंट मार्कर से इस पे जो है वो निशान लगा के यूएचयू यूज़ करते हुए येलो कलर के बटन जो हैं वो मैं ऊपर स्टिक कर रही हूँ ताकि इसकी ब्यूटी में और इजाफा हो जाए। बिल्कुल भी देखने में आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि ये हमने किसी वेस्ट मटेरियल से जो है इसको बनाया है। इट इज़ जस्ट एन आइडिया कि जो है हम और भी इस तरह के मटेरियल्स से है जो है वो बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल होते हैं बैग। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हम इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो रख सकते हैं। तो यू जो है कि उसको 30 सेकेंड उसको वेट करना पड़ता है उसके ऊपर कोई चीज़ लगाने के बाद, देन इट विल बी स्टिक प्रॉपरली। तो देखिए मैंने इसके ऊपर बटन लगा दिए, इवन देखें ये जो इसके हैंडल हैं वो भी मैंने ऑलरेडी ऐसे ही बने हुए थे। तो मतलब आपको बताने का ये है कि राइस का बैग जो हम लाते हैं, आप जब उसे वो खाली हो जाए तो आप उससे बहुत सी चीज़ें जो है बना सकते हैं। मैं इसको सिर्फ उसे आप उल्टा करें और उसके शाइनी मटेरियल जो है बहुत ही उसका खूबसूरत लुक आती है, तो आप कहीं भी जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने बटन लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या रखूँगी। जैसे कि मैंने आजकल एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, तो मैं कहीं भी जब बैठती हूँ, मैं रूम में नहीं हूँ, मैं इवनिंग में जो बाहर छत पे निकल के बैठ जाती हूँ हवा के लिए, तो मैं वहाँ भी जो है ये छोटा सा बैग ले लूँगी साथ, और तब मुझे बार बार जो है वो चीज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें तब तक इसी में पड़ी रहेंगी तब तक मुझे इनकी ज़रूरत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर